हमारे पास क्या है, हमारे पास ए और बी दिया हुआ है और उसका रेशियो है 4:1। तो मैंने आपसे कहा 4x 1x, और ये आपका टोटल मिक्सर है। आपसे कह रहा है, मैं कह दूं 5x, इसमें से 10 लीटर उसने निकाल दिया टोटल। ठीक है सर, आपने 10 लीटर मिक्सचर में से निकाला, जो मिक्सचर बचा है उसका रेशो अभी भी 4:2x ही होगा, चाहे वो 1 लीटर बचा हो, चाहे 2 लीटर बचा हो, चाहे 10 लीटर बचा हो। हाँ, बस हमारे मिक्सचर की 10 लीटर क्वांटिटी कम हो गई। चलो अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो तो बाद में सोचेंगे। 10 लीटर उसने निकाला, अब उसने कहा कि बी हमने 10 लीटर इसमें ऐड कर दिए, तो ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ए तो उतना ही रहेगा 4x, लेकिन बी अब x+20 हो, x+10 हो गया, और नया रेशो जो है 2:3 हो गया। तो ये हमारे पास रेशो आ गया नया 4x, जो आप कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, जी अपॉन x+10 = 2:3। तो यहां से आप x निकाल सकते हो, 3×4 = 12x, जी टू फिर एक्स तो आप प्लस टेन ट्वेंटी पुट कर लेंगे। तो 12 - 2 10x, 10x = 20, तो x = 2। आ गया आपके पास। जी सर, अब बात 10 लीटर पहले की बात नहीं कर रहा, उसने कहा था द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली वॉज, तो बात कर रहा है एक्स की। तो जो हमारे पास अगर x 2 है, तो 2×4 = 8, जी ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 2 है, यस और नो? जी लेकिन ये इसमें है, तो जो 10 लीटर निकाला था उसमें भी इतना ही रहा होगा। जी हाँ भाई, 10 में भी तो 4x और x का ही रेशो रहा होगा, तो यस ये भी तो 10 ही आ सर। रहा है, तो 2 + 8 रहा होगा, उसमें भी बी हमारा 2 लीटर था और ए हमारा 8 लीटर था, तो टोटल कितना हो गया सर? 10 लीटर 10? अरे सिक्सटीन सर, ए ए अरे समझ कितना, में नहीं आया सर, एक बार ए बता। कितना हो गया सर? अच्छा 16। ये दोबारा सर रेट कहाँ से, एक बार बता दीजिए। अरे सर वही तो बता रहा हूँ, ये हमारे पास आया 8 और 2, तो ये वाला जो हमारे पास बचा हुआ है, और 10 लीटर जो पहला था अर्लियर, अगर हमारे पास 10, भाई सीधी सी बात है 8 और 2, तो यार अर्लियर हमारे पास 10 लीटर था, एक पुराना वाला है और एक नया वाला है जो तो हमने टेन लीटर में, आ गया सर टेन समझ लीटर में में ए कितना है? सर, वो आ है गया हमारे समझ में पास 4/5 × 10, यस और नो? जी सर, आठ और सोलह 8 16 लीटर था हमारे पास शुरू में, ये क्वेश्चन। सर, यानी कि सर ये जो 8 और 2 सर हमारा जो आया था, ये 10 लीटर जो हमें निकालना था, लेकिन उसके बाद का उसके वैल्यू बाद का जी, जी, और उसके पहले का वैल्यू 16 पहले भी दस था ही जी था, तो वो भी 8 और 2 ही आएगा, तो सर। ठीक है सर, टोटल कितना आ क्या गया? 16। सिक्सटीन ठीक है सर, जी सर, अब अगर हम ये कह दें कि भाई हमारा क्वेश्चन से, इससे सॉल्यूशन से सॉल्व करो, रे तो सॉल्यूशन से हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि भाई अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, और स्टार्टिंग रेशियो इसका 4:1 है, आपसे कह रहा है इनिशियली ए बताओ कितना था। तो इनिशियली अगर ए, इनिशियली ए अगर हमारा 4 लीटर ही था, जो उसने पहला ऑप्शन दिया है, कितना ऑप्शन, जी सर तो जाहिर सी बात है बी 1 लीटर हो गया भाई क्वेश्चन के हिसाब से, जी सर, तो टोटल कितना हो गया? तो 5 लीटर 5 लीटर में से क्या हम मिक्सचर 10 लीटर निकाल सकते हैं? तो नो सर जी ये तो यही फेल हो गया सर, बात समझ में आ गई क्या? सर, यस अब अगर हम कह रहे हैं कि नहीं सर, हमारा ए जो है वो 8 लीटर है, तो यहाँ आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, टू से तो फिर 1 को भी किससे करोगे, तो टेन इसका मतलब बी 10 2 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया? लीटर अब अगर टोटल 10 लीटर हो गया और आपने 10 ही माइनस कर दिया, तो कुछ जी सर, बचेगा भाई, तो नो सर, फिर रेशो ही कहाँ बचेगा? अगर अब आप बी डालोगे तो सिर्फ बी होगा, तो फिर रेशो 2:3 कहाँ से आएगा? सर जी सर, तो समझ में आ रही है क्या बात? जी सर, अगर हम सी की जी बात सर, करें कि नहीं भाई हमारा C 16 है, तो यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, फोर तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करो, फोर तो ये कितना हो गया 4 लीटर। ठीक है जी, तो
तो हमारा टोटल हो गया 20 लीटर, 20 में से आपने 10 निकाल दिया, कितना निकाल दिया 10, तो 10 अगर आप निकालोगे बचेगा आपके पास 10 लीटर ही, कितना लीटर बचा 10 लीटर, लेकिन रेशो अभी भी उसका 4:1 ही होगा, कितना होगा 4:1, तो इसका मतलब 8 लीटर हमारा ए है और 2 लीटर हमारा बी है, बी है, आप कह रहे हो इसमें 10 लीटर बी मिला दिया, कितना मिला दिया 10 लीटर, तो आपके पास ए कितना हो गया 8 और बी कितना हो गया 12, रेशो रेशो बताओ कितना हो गया 4:3, आ गया नहीं आ गया जी सर, हाँ जी सर, तो एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन और पूछ रखा था डॉक्टर साहब ने, वो भी देख लो सर, ओफ भाई ये देखो जी सर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा,